हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजी किचन विद झरना में। गैस में कुकर को चढ़ाई हूँ, 4 से 5 चम्मच तेल डाल ली हूँ। बिना लहसुन बिना प्याज के हम सब्जी बनाने वाले हैं कन्या भोग के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाली हूँ, 4 से 5 इलायची, 3 लौंग और 2 बड़ी इलायची, जो मसाले की लकड़ी आती है ना उसको डाल ली हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं अदरक को थोड़े लंबे लंबे साइज में काट ली हूँ, उसको डाल ली हूँ। और तेज पत्ता यहाँ पे डालेंगे 3। अब सभी मसालों को थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर के होते तक चलाएंगे। और यहाँ पे मैं 4 टमाटर को मिक्सी में पेस्ट बना ली हूँ, मिक्सी से पीस ली हूँ। टमाटर को मैं ज़्यादा ली हूँ क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं हम, तो ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर लेना है। तो टमाटर के पेस्ट को मैं डाल दी हूँ। अब 2 मिनट बस हम इसको चम्मच चलाएंगे और पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है तो यहाँ पास मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको मिला देंगे। अब 1 चम्मच यहाँ पे डालूंगी मैं गरम मसाला। तो ये किचन किंग का, एवरेस्ट का किचन किंग गरम मसाला है, इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब 2 मिनट और पकने देंगे मसाला को। 2 मिनट हो गया है, देखिए कलर कितना सुंदर सा दिख रहा है। अब 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पे मैं व्रत वाला ही नमक यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी नमक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कन्या भोग के लिए ही बना रही हूँ ना, तो मैं व्रत वाला नमक ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 आलू। आलू को थोड़े बड़े बड़े साइज में मैं कट कर ली हूँ। आलू को 2 मिनट पकने देंगे। और छोले वाले चने को मैं रात भर भिगा के रखी थी, अभी उबाली नहीं हूँ, छोले वाले चने को डाल देंगे। इसको डालने के बाद 2 मिनट फिर से इसको पकने देंगे मसाले के साथ में। अब यहाँ पे मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को डालने के बाद हम सभी को मिला लेंगे। अब लास्ट में सिर्फ धनिया पत्ती और ऐड करना है। धनिया पत्ती को अब यहाँ पे डाल देती हूँ। डालने के बाद सभी धनिया पत्ती को मैं मिला दूंगी और कुकर का ढक्कन मैं पैक कर देती हूँ। 4 से 5 सीटी हम यहाँ पे लगने देंगे और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। तो घी को पिघलने देंगे, घी पिघल गया है। अब 1 कटोरी सूजी ले रही हूँ, आप कटोरी की साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस नाप से मैं बता रही हूँ ना एकदम परफेक्ट बनेगा। सूजी को सिकने में बस 5 मिनट का टाइम ही लगेगा, अच्छा डार्क गोल्डन कलर होने देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो गया है और आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा सा कलर हो गया है। तो बस अब यहाँ पे मैं पानी डालूंगी। तो पानी पहले मैं 1 गिलास पानी ऐड की हूँ, सभी को मिला लेंगे, फिर उसके बाद में मैं 1 गिलास पानी और डालूंगी। एकदम परफेक्ट नाप से बता रही हूँ, आप लोग को बहुत आसानी जाएगा बनाने में। 1 कटोरी सूजी ली हूँ, उसमें 2 गिलास पानी ऐड की हूँ। अब सेम वही कटोरी में नाप के मैं 1 कटोरी चीनी ऐड कर दी हूँ। अब सभी को मिला देंगे, बस हल्का हल्का चलाते जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में मैं काट ली थी, उसको ऐड कर दी हूँ। और बस चलाते जाएंगे और इतना प्यारा सा कलर हो गया है और एकदम शाइनिंग कर रहा है हलवा हमारा। यहाँ पे मैं 4 से 5 इलायची को थोड़ा सा कुट के डाल दी हूँ, इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए बहुत एकदम दानेदार बना है हमारा सूजी का हलवा और बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। तो आप ना जरूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगा। और अभी नवरात्रि के समय में भगवान को भोग लगाने के लिए, कन्या भोग के लिए जरूर बनाइएगा। अब गैस बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब बस पूड़ियों को तलना बस और बाकी है। और मैं ना आटा पहले से ही गूंथ के रख दी थी और बस सिंपल सा ही गेहूं का आटा गूंथी हूँ और सिंपल पूड़ी ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए कितनी प्यारी और एकदम फुली फुली सी बन रही है हमारी पूड़ियाँ। तो जल्दी जल्दी मैं पूरी पूड़ियों को तल लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम थाली लगा रहे हैं। 1 कटोरी खीर निकाल ली हूँ, खीर की रेसिपी मैं नहीं बताई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए छोले निकाल ली हूँ, सूजी का हलवा
और ये फुली फुली पूड़ियाँ हमारी थाली में सज रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पापड़ सेक ली हूँ, ये मूंग दाल का पापड़ है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मावा निकाल ली हूँ। हमारी भोग की थाली बनके एकदम तैयार। तो जल्दी से प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यूँ ही बने रहिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ।